दुर्ग नगर निगम के राजेंद्र पार्क में भव्य फ्लावर शो कार्यक्रम को लेकर पार्क में व्यापक तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ शासन की योजनाओं को प्रदर्शित करने प्रदर्शनी भी लगाए जाने को लेकर समिति के प्रभारी और सदस्यों द्वारा तैयारी की जा रही। दुर्ग नगर पालिका निगम पर्यावरण व उद्यानिकी विभाग प्रभारी सत्यवती वर्मा के द्वारा दुर्ग के राजेंद्र पार्क में भव्य फ्लावर शो का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर विभाग प्रभारी सत्यवती वर्मा व अन्य सदस्यों द्वारा पार्क की व्यवस्था, लगने वाली दुकानों व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर लगातार अपनी जिम्मेदारी निभाकर कार्यक्रम को सफल बनाने प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रभारी वर्मा ने पार्क में पहुंचे फ्लावर शो में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची का अवलोकन किया व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रदर्शनी कर लोगों के सामने सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों का अवलोकन कराए जाने की तैयारियों का जायजा लिया। गौरतलब है कि राजेंद्र पार्क में ये तीसरा फ्लावर शो का आयोजन 27 फरवरी रविवार को किया जाएगा, जिसमें आयोजन की तैयारियों को लेकर महापौर धीरज बाकलीवाल के द्वारा अधिकारियों के साथ योजनाएं बनाई गई है। इस संबंध में न्यूज टीम को प्रभारी सत्यवती वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस साल हम लोग पिछले साल की तरह माननीय मुख्यमंत्री जी के शहरी योजनाएँ हैं, उनको प्रदर्शित फूलों के द्वारा और धान के द्वारा करने जा रहे हैं। हम शहरवासियों को पर्यावरण के बारे में उनको जागरूकता करने के लिए, जानकारी देने के लिए ये फ्लावर शो किया जाता है। ये शहरवासी सहयोग भी करते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और शानदार रहता है। हमारे महापौर जी, हमारे विधायक जी, उनके संरक्षण में हम लोग सब फ्लावर शो करते हैं। इसमें महिलाओं का जो गोबर से बना रहे हैं उनका, और महिलाएं जितना सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं ना, उन सब योजनाओं के स्टॉल लगाएंगे। तो वो रहेगा छत्तीसगढ़ी प्रोग्राम रहेगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, और स्टॉल में वो फरा चीला वाला रहेगा, छत्तीसगढ़ी व्यंजन, और हमारे जो हस्तकला के जितने बनाने वाले महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो सब भाग लेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।